दोनों रिवायतें एक ही हैं बस मैंने जो सुबह या कल आप लोगों को एक बात बताई थी फ़ातज़ुलनिसा में तो वो बात यहाँ आयशा फरमा रही हैं फरमाया कान तहदा नदा काना ताइदा सब के तरफ से तर्जुमानी कर रही हैं हम में से कहीं तुम्हारे वहम में ये ना हो खाली आयशा के साथ ये अमल होता था बकिया के साथ नहीं 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 नए नहीं, नहीं। हुजूर सल्लम अपनी बारी में चाहे वो पाक हो अयाम में हो या अयाम में ना हो बाहर दो सूरत पाबंदी के साथ अपनी बारी में हाजिर दिया करते थे और आप हम बिस्तर देखो ये लगवी लगवी हम बिस्तर बोल रहा हूँ मैं जैसे हम सर मैंने कहा वैसे ये लघवी हम बिस्तर यानी एक बिस्तर में आराम फरमाते थे एक बिस्तर में आराम फरमाती थी ये तर्जुमा करो तो आपके तर्जुमे में किसी भी तरह का किसी भी कायनात के कोने कोने में इतराज तो आप क्या कहेंगे हम बिस्तर का तर्जुमा कीजिए की एक ही बिस्तर में हम बिस्तर तर्जुमा नहीं करना तर्जुमा क्या करना एक ही हालांकि हालांकि उसे फारसी में कैसा कहोगे अब एक ही बिस्तर में आराम कर देते कैसा कहोगे फारसी में हम बिस्तर ही कहेंगे लेकिन वो हम बिस्तर कहने की वजह से लोगों का ख्याल किसी और तरफ मुंतकिल हो सकता है इसलिए तर्जुमा ये करेंगे कि एक ही बिस्तर में आराम करते थे फ आरद रसोल्ला वसलम अय्युबाशरा अमरा तज़ीरा फ़ी फोरी हज़तीहा फरमाया करते थे जाओ जाकर कर आप इसी बिस्तर में आराम करना चाहती हो जाकर बंदोबस्त करके आया, कर। बंदो कर आया करो जाकर बंदोबस्त करके आया करो बंदोबस्त करके आया करो तो वो बंदोबस्त करके आया करती थी लंगोट बांध कर फ़ौर किसे कहते हैं जिस वक्त हैज़ की कसरत हो फौर के माने क्या फ़ौर के माने क्या कसरत हैज़ को मुराद है भाई यानी जब हज़ कसरत से एकज़ एंडिंग एंडिंग में देखिए हाईज़ इस स्टार्टिंग इस्टार्टिंग के बाद दरमियान में ज़रा ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ उसका बहाव होता है जब इख्ताम होता है आखिरी अया में वो बिल्कुल यानी उसकी उसकी रफ़्तार बिल्कुल धीमी हो जाती है बस अरे भाई रहम मादर में जो खून है वो एक दिन दो दिन तीन दिन जल्दी निकल जाता है चौथे दिन पाँचवें दिन सब क्या हो जाता है उन्हें बिल्कुल कम होता चला जाता है डिक्रीस हो जाता है मकदार कम हो जाता है उसकी तरफ यहाँ इशारा फरमा रहे हैं आप उसको तो हुक्म दिया करते थे फिर आप फरमा आपने फरमाया वे लोगों सुनो ओ मोलवी हो तुम लोग हजरत भी ऐसा करते थे हम भी ऐसा करते हैं सुन्नत ना बोल को तुम्हें लोग हम भी वैसा सब करना शुरू मत करो क्यों फरमाया अय्युकुम हजरत आयशा तुम में से कौन है यमलिकु अरबहू या इबहू जो अपने नफ्स पर मुकम्मल काबू पा सकता हो कोई है अरे क्या ऐसा खामुश बैठे हुए हैं नहीं हम लोग अबे तुम में से सहाबा को फरमा रहे था आयशा कोई मामूली हस्ती तो नहीं ना भाई तुम में से कोई है नहीं कोई नहीं क्या मतलब हु इससे साफ़ वाजी ये बात हो रही है बहुत सारे काम हुजूर करते थे वो हुज़ूर की खसूसियत है तुम लोगों को इसकी इजाज़त नहीं है तो खसूसियातन अम्बिया में से जो तखस अम्बिया की ज़ात के साथ सिफात के साथ अम्बिया के जज्बात के साथ जो जुड़े हुए हैं वो सिर्फ़ अम्बिया के साथ हैं उस पर अमल करने की इजाज़त यह है गैर मुखल्दीन के लिए अल्लासा जवाब जो मुख्तलिफ़ आजा तोड़ जवाब उसे कहते हैं जिहात अरबा आ अरबा तोड़ जवाब आला भी वस्त भी सफल भी सब इसमें आ गया फिर आगे की रिवायत भी काना नबी इदारा तय्यूबा श्री अमराहा मिनसाई ही अमरहा उस बात की वजाहत फरमा दी कि जब भी आप जिस किसी के बारे में जाते थे हुक्म देते और वो लंगोट बांध लिया करती थी जी